आईजी पंजाब ने 10 पुलिस अफसरान के तबादले कर दिए हैं। तौकीर नईम एसपी सिक्योरिटी, तारिक अजीज एसपी एंटी राइट फोर्स लाहौर तैनात हो गए हैं। इकरामुल्ला मलिक को एसपी ट्रैफिक और मुआज जफर को एसपी सिक्योरिटी स्पेशल ब्रांच लगा दिया गया है। मजीद बताएंगे मुदस्सिर हुसैन जी। मुदस्सिर जी, बिल्कुल, पंजाब पुलिस में जो है तबादलों का सिलसिला जारी है। राजीव पंजाब ने 10 एसपी के जो है वो कल तबादले किए हैं। जिन अफसरान के तबादले किए गए हैं, इनमें सिकंदरी के मुंजिर सकीर मोहम्मद नईम को एसपी सिक्योरिटी लाहौर की खाली सीट पर तैनात किया गया है। तारिक अजीज को एसपी एंटी राइट फोर्स लाहौर तैनात किया गया है। तारिक मुस्सा को एसपी स्पेशल ब्रांच मुल्तान जो है वो तैनात किया गया है। जवेद अहमद खान को एसपी स्पेशल ब्रांच डीजी खान तैनात किया गया है। आसिफ सदीक जो कि एसपी सदर ट्रैफिक तैनात थे, उनको जो है वो एसपी इंटरनल अकाउंटेबिलिटी फैसलाबाद तैनात किया गया है। कामरान को एसपी वीवीआईपी सिक्योरिटी स्पेशल ब्रांच लाहौर तैनात किया गया है। सरदार मवान खान जो कि पहले भी लाहौर तैनात रह चुके हैं, पंजाब के मुख्तलिफ ज़िला में डीपीओ रह चुके हैं, उनको जो है नई पोस्टिंग दी गई है। उनको एसपी इन्वेस्टिगेशन पंजाब वन जो है वो लाहौर तैनात किया गया है। माज जफर को एसपी सिक्योरिटी स्पेशल ब्रांच लाहौर तैनात किया गया है। इसके अलावा एसपी सिक्योरिटी स्पेशल ब्रांच शाजिया सरवर को जो है वो सीपीओ ऑफिस रिपोर्ट करने का हुक्म जो है वो जारी किया गया है। आज ही पंजाब ने तमाम अफसरान का जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया है। तमाम अफसरान को अपनी नए तैनाती पर फौरी जो है रिपोर्ट करने का जो है वो हुक्म जारी किया। हुसैन हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।